भारतीय रुपए का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय मुद्रा की कई इकाइयां रही हैं, जिनके बारे में शायद आपको भी पता न हो, लेकिन ये जरूरी है कि भारतीय मुद्रा के इस सफर की सभी इकाइयों के बारे में आप खुद भी जानें और अपने बच्चों को भी बताएं। आज जिस एक रुपए की कीमत हमारे लिए न के बराबर है, कभी वह बहुत बड़ी मुद्रा मानी जाती थी और उससे छोटी भी कई मुद्राएं प्रचलन में थी। कई बार हम अपनी गरीबी को बताने के लिए जिस जुमले का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ये फूटी कौड़ी भी कभी भारत की मुद्रा हुआ करती थी। इसे प्राचीन भारत की सबसे छोटी मुद्रा के रूप में जाना जाता था। रुपए शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच अपने शासन के दौरान किया। उन्होंने रुपए का जो सिक्का चलाया वह चांदी का था, जिसका वजन लगभग 11.543 ग्राम था। उसने तांबे के सिक्के, जिन्हें दाम कहते थे, और सोने के सिक्के, जिन्हें मुहर कहते थे, भी चलाए। लेकिन आज जिस रुपए का इस्तेमाल हम करते हैं, वह कई पड़ावों से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। रुपए का पूरा इतिहास जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि प्राचीन भारत में मुद्रा को किस तरह वर्गीकृत किया जाता था। आप फूटी कौड़ी से रुपए तक के वर्गीकरण को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे फूटी कौड़ी से बना कौड़ी, कौड़ी से बना दमड़ी, और दमड़ी से बना धेला, धेला से बना पाई, पाई से बना पैसा, पैसा से बना आना, आना से बना रुपया। तो इस तरह रुपए का जन्म। इन छोटी बड़ी मुद्राओं में क्या संबंध था, आप ये भी समझ लीजिए। जैसे 3 फूटी कौड़ी की कीमत 1 कौड़ी के बराबर होती थी, 10 कौड़ी की कीमत 1 दमड़ी के बराबर होती थी, 2 दमड़ी की कीमत 1 धेला के बराबर होती थी, 1 धेला की कीमत 1.5 पाई के बराबर, और 3 पाई की कीमत 1 पैसा के बराबर, 4 पैसे की कीमत 1 आना के बराबर, और 16 आने की कीमत 1 रुपए के बराबर होती थी। प्राचीन मुद्रा की इन्हीं इकाइयों ने हमारी बोलचाल की भाषा को कई कहावतें दी, जो पहले की तरह अब भी प्रचलित है। जैसे 16 आने सच, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, पाई पाई का हिसाब रख, ढेले का काम नहीं करना आदि। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए